देखिए देखिए योगी आदित्यनाथ जी हमारे अच्छे मित्र रहे हमेशा, हम उनका आदर करते हैं बाबा जी का, वो हमारे बाबा जी हैं, हम उनको हमेशा हमारा प्यार और उनका प्यार आपस में बांट लेते हैं, ये सच है। लेकिन बात रही चुनाव की और राजनीति की, महाराष्ट्र में आकर बाबा जी क्या करेंगे मुझे बताइए आप। बाबा जी तो हर जगह जाते हैं, बाबा जी तो अपने खुद के उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए लोकसभा में, अपने खुद के उत्तर प्रदेश में ऐसी ऐसी सीटें हैं, अयोध्या नहीं बचा पाए, चित्रकूट नहीं बचा पाए, अब देखिए ना। तो बाबा जी महाराष्ट्र में आकर क्या करेंगे, आने दो, भड़काऊ भाषण करेंगे, दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे। बाबा जी को आप ध्यान में रखना चाहिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बटेंगे कटेंगे उनका नारा बहुत चला सर। नहीं नहीं, बटेंगे कटेंगे तो पोस्टर लग रहे हैं, पोस्टर लगने तो यहां ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा, ये महाराष्ट्र है भाई, ये फुले शाहू अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। इस प्रकार के जो राजनीति है ना, बटेंगे कटेंगे वाली, इस राज्य में मुंबई में नहीं चलेंगी, हम ना बटेंगे ना कटेंगे। सर, सीसी की बैठक में राहुल गांधी ने नाराजगी व्यक्त की है सीटों के बंटवारे को लेकर, कांग्रेस को बहुत ज्यादा गेन नहीं हुआ इस जो है बैठक में, इसको लेकर क्या? अंदर जो लोग बैठते हैं बाहर आकर इस प्रकार की बातें बोलते होंगे, मुझे मालूम नहीं। महाराष्ट्र में तीन पार्टियां प्रमुख है और मजबूत है, कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को लगभग समान सीटों का बंटवारा हुआ है, वो ठीक है। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। हरियाणा में तो पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी, हरियाणा में पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी ना, सरकार नहीं आ पाई, तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, ये नारे की अगर किसको जरूरत है तो महा विकास आघाड़ी को है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.